भाई कल है 17 सितंबर और कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और पीएम मोदी कल अपने जन्मदिन के खास मौके पर अपनी दिल्ली की जनता को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं। पीएम मोदी कल दिल्ली के द्वारका में यशो भूमि नामक इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशनल एक्सपो सेंटर राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल इस सेंटर का पहला फेज तो बनकर तैयार हो गया है जिसमें 11,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। बाकी कन्वेंशनल सेंटर को पूरी तरह से तैयार होने में अभी मार्च 2025 तक का टाइम लगेगा, लेकिन उससे पहले इसे स्टेप बाय स्टेप करके खोला जा रहा है। देश में इंटरनेशनल लेवल की बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों की मेजबानी के लिए ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। 8.9 लाख स्क्वायर मीटर क्षेत्र में फैला ये सेंटर दुनिया के सबसे बड़े MICE यानी कि मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस इंसेंटिव्स एग्जीबिशंस में जगह बनाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कन्वेंशनल सेंटर 73,000 स्क्वायर मीटर में बना है। जरा आप भी देखिए इसकी ये झलक। देखा आप सभी ने अभी हाल फिलहाल में ही दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, जहां G20 की बैठक हुई थी और इस बैठक में अमेरिका समेत दुनिया के टॉप लीडर्स शामिल हुए थे। और ठीक इसी तरह से दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशनल एक्सपो सेंटर का निर्माण किया जा रहा है जिसे यशो भूमि नाम दिया गया है। आपको बता दूं कि यशो भूमि वर्ल्ड क्लास एक्सपो सेंटर है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह हर एक खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडी टाइम्स।